बेटा अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 के पैटर्न के आप देखने वाले हो। इसकी थोड़ी सी और मेच्योरिटी हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करेंगे तब आएगी, बट मीन वाइज आप लोगों से मैंने एक रैंडम बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँगा, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो आंसर क्या रहेगा? दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करूँगा तो नेगेटिव। बेटा मल्टीप्लाई प्लस कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना? दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करूंगा तो डिपेंड करता है बेटा, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है नेगेटिव नंबर छोटा है तो आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर छोटा है तो नेगेटिव, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट सिंपलर वन, दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? ये रटना नहीं है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। दो पॉजिटिव को ऐड किया पॉजिटिव, तो नेगेटिव को ऐड किया नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड किया तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, याद है क्या? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 37 में मान लो स्प्लिटिंग नहीं होता है, वैसे यहाँ हो रहा है बट मान लो स्प्लिटिंग नहीं होता है, ठीक है? तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को? इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -99 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -100। बेटा देखो, ओए मेरे दो नंबर्स का सम अगर नेगेटिव है तो मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ, क्या मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव हो सकते थे क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गया कट, ये तो पॉसिबल नहीं। क्या मेरे दोनों के दो नेगेटिव हो सकते थे क्या? हाँ सर, दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव हो सकता है। क्या दोनों के दोनों इक्वल हो सकते थे क्या? हाँ सर, हो सकते थे। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता था क्या? हाँ सर, वो भी हो सकता था। सर मेरा सिर्फ ए ऑप्शन कटा, कोई बात नहीं, अपन अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -100, अब बी ऑप्शन, ए तो वैसे कट गया, उसको अपन देखना है। क्या दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते थे क्या? नहीं सर, दोनों नंबर अगर नेगेटिव होते तो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव हो गया था। दोनों नंबर इक्वल मतलब 4-4, दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। दोनों नंबर नेगेटिव एंड माइनस वन आए तो वो भी अलाउड नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव वाला रूट बड़ा रहेगा या नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला, क्योंकि -99 ऐसा उसको वो नहीं पूछ रहा है। देखो एक और बार, तुम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कारण क्या निकाल पाया? अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आंसर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव आ रहा है। मैंने अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव अगर है तो उसे क्लियरली डिस्कार्ड कर दिया कि बोथ पॉजिटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने कहा बोथ नेगेटिव, हाँ सर हो सकते, -50 -49, बोथ इक्वल हाँ हो सकते सर, -49.5 -49.5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ सर हो सकता था -100 और +1, तीन ऑप्शन चल रहे हैं हमारे। फिर मैं इसको देखा, अल्फा इंटू बीटा इज -100 वाली बातें किया मैंने, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -100 अगर आ रही है, क्या बोथ नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं सर, बोथ नेगेटिव कैसे हो गए? तो ये कट गया मेरा, फिर प्रोडक्ट का पॉजिटिव बना दिया। क्या दोनों इक्वल? सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वाली इक्वल रहे तो भी नहीं चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव वाली इक्वल रहे तो भी नहीं चलेगा, तो ये भी कट गया। आखिरी क्या दिया है? 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वही ऑप्शन रहते हैं, हाँ सर वही पॉसिबल है। सोचो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव नंबर बड़ा पॉजिटिव नंबर छोटा, इससे उसका सम नेगेटिव, प्रोडक्ट भी नेगेटिव। समझा एक बार कहिए? देखो पूछने का ज़्यादा बहुत कम है, आज तक के बोर्ड्स में नहीं पूछा है, स्कूलों की वर्कशीट में एक आधा बार देखा गया है, बट समझ लो ईजी है, ठीक है? अभी नेक्स्ट 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 बेटा, बोथ इक्वल का मतलब हो जाएगा 2 और 2। नहीं ऐसा नहीं, किसने बोला? हाउ इज 8 और -8 इक्वल नंबर्स? आई कैन नॉट मैथमेटिकली राइट दिस थिंग। ये एंड ये सेम हो सकते थे, राधे में बचे ये इसके साथ या इसके साथ सेम हो सकता, इसलिए तो कट गया हो, तो चार ऑप्शन आते उसने कुछ भी बना दिया, वैसी बात है, ठीक है? अब देखो ओए, ये वाले पे आ जाओ अभी, 38 क्वेश्चन पे। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा इंटू बीटा के लिए 6 है, बोथ पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? हाँ सर। बोथ नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं सर।
सर वो भी हो सकता था, क्यों हो सकता था सर? पॉजिटिव वाला बड़ा, नेगेटिव वाला छोटा। तो हाँ सर, प्रोडक्ट से देखते हैं सर, बोथ पॉजिटिव, हाँ सर बोथ इक्वल सर हो सकता है सर, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो, अब बोथ पॉजिटिव और बोथ इक्वल के अंदर बेटा अगर बोथ इक्वल होना रहता तो अल्फा की वैल्यू 2.5 रहती, बीटा की वैल्यू भी 2.5 रहती थी। 2.5 इंटू 2.5 6 हो रहा है क्या तुम्हारा? नहीं, तो ये भी कट गया, तो आंसर बचा मेरा ए। समझाई थी क्या हुई है? देखो पहले बोथ नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सम पॉजिटिव नहीं हो सकता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं हो पाता था, बोथ इक्वल इसलिए नहीं हो पा रहा है, अगर बोथ इक्वल होता तो सम ऑफ रूट ठीक है 5 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2.5 2.5 हो रही है, और फिर प्रोडक्ट मेरा 6.25 आ रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट उसने 6 दिया हुआ है। समझ आया तो क्या, कोई इशू इसमें किसी को? अब नेक्स्ट 39th क्वेश्चन के पहले ना एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a को क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, b को लीनियर टर्म बोला जाता है, c को कांस्टेंट। b को लीनियर टर्म क्यों होता है? लीनियर x का कोएफिशिएंट होगी क्यों? समझ आ जाता है क्या हुआ है? श्योर। अब देखो गाइस, इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ दिस फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ अनादर, मतलब अगर एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए होना चाहिए, माइनस बी एन एक्स कोएफिशिएंट होता है, ये हो गया, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू जीरो हो चुकी है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है कुछ हो रहा है मेरा। और दूसरा क्या है बेटा मेरे लिए? अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, यानी सी बाई ए का सी, यहाँ पे बी चल रहा है मेरा, तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। देखो अब मेरा लीनियर टर्म तो होने ही नहीं वाला है, ए की वैल्यू जीरो चलने वाली है और बी की वैल्यू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर है, तुम्हारी अल्फा खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 हो या माइनस 5 हो, तुम स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इनटू माइनस यानी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एनी नंबर एंड नेगेटिव ऑफ एनी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो बी मेरा नेगेटिव हो चुका रहेगा। सर नहीं समझा, एक बार वापस से देखो, ये देखो तुम्हारे को क्या दिया गया है, पहले तो उसने बेवजह कंफ्यूज करने के लिए उसने एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डाला है, तो बेवजह की मस्ती है, ठीक है, बोला है एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चलता है, इज ऑन माइनस बी बाई क्यू बोलते थे कि तब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, पर ये निकम्मे बनने के कारण अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू जीरो, बच्चों को ये तो इजीली समझ जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? बी कॉन्स्टेंट, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है, तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया। किसी को कोई इशू यहाँ तक के? पक्का? अब देखो प्लीज, अब थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारा अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, अल्फा की वैल्यू 5 है या माइनस 5 है, उसका स्क्वायर तो 25 ही हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो बेसिकली बी इज गोइंग टू बी सम नेगेटिव नंबर, करेक्ट। अब ये चीज है, देखो ऑप्शन में क्या कह दिया गया था, हैव नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो हाँ सर ये ट्रू चलता है, और देख लो हैव नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, नहीं सर ये गलत है, कैन हैव अ लीनियर टर्म, नहीं बात ही खत्म, लीनियर टर्म हो ही सकता है, वो जीरो चलने वाला है, यहाँ पे क्या दिया है? कैन हैव अ लीनियर टर्म, ये भी बात ही नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चा लोग यहाँ पे? ए फॉर एप्पल, ठीक है। हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, तो दिस डज नॉट मीन माइनस 3 इंटू माइनस 3, दिस मीन्स माइनस ऑफ 3 इंटू 3, जो तू बोल रहा है उसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, समझा? बी इज व्हाट योर एक्स का कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर वैल्यू दिया गया है, वो एक्स स्क्वायर का वन ही है, कोई फिक्स है, ठीक है, और माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, तो फिर वो जो बी का वैल्यू रहेगा, तेरा बोलना है एक्स स्क्वायर प्लस एट दिया गया है, इसे कैसे रूट्स निकालेंगे? नहीं नहीं, ये देखो जो बी में दिया माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं तो ये पॉजिटिव आ ही नहीं सकता नंबर तब। गाइस देखो, ओए गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुमको एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो वो दिया जाए बोले इसे जीरो ढूंढो, नहीं, यू विल लर्न दिस थिंग इन 11th स्टैंडर्ड कोर मैथमेटिक्स इमेजिनरी नंबर्स, तुमको अभी है नहीं इसे उसको छोड़ दो, दे विल ऑलवेज हैव दिस विद अ नेगेटिव टर्म ओनली। तुम अपनी वर्कशीट के ही देखो, जहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था वो वाले देख लेते अपन लोग, ये देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था, बोल रहा वो लीनियर टर्म नहीं था, तीनों में कॉन्स्टेंट टर्म तुम्हारा नेगेटिव चल रहा है, चांडा मत करो बेटा प्लीज, लास्ट में वो याद है कि ठीक है। अब देखो ओए चांद 40th क्वेश्चन, हाँ सही सही, अल्फा इंटू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव नेगेटिव जो सोचता है उसे स्क्वायर करेगा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, दैट इंटू माइनस करके तो नेगेटिव हो चुका है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव बी, इसका मतलब बी नेगेटिव होगा, ट्रांसपोज की इसकी जो भी वैल्यू है वो बी की वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव आ रहा है बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। गाइस ओए प्लीज शांत, प्लीज शांत, देख लो बेटा तुम्हारे को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज देख लो समझ लो एक बार। अब है क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दीज आर इक्वल, अब सुनो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आएगा क्या अभी? हाँ चलो ठीक आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे दोनों की दोनों रूट्स इक्वल है, ठीक है, तो मेरे को देखो अल्फा एंड अल्फा चल रहा है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, टू अल्फा इज माइनस बी बाय ए, अब सुनो ये एक बार का यहीं पे हो चुका है, अल्फा इंटू अल्फा इज सी बाय ए, अल्फा स्क्वायर इज सी बाय ए, अब देखो मुझे बताओ टू अल्फा मेरा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, सब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, देखो टू अल्फा मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, टू अल्फा मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लीज सुनना जिन लोगों को ध्यान देने की इच्छा है, जिन लोगों को कोई इच्छा नहीं इनको ऊपर कहीं समझ में आ रहे हो वो लोग शांति से बैठे रहना, बचे लोग जिन लोगों को थोड़ा समझ में आया वो ध्यान देना, बहुत ज्यादा दिमाग मल्टीपल चीजों में लगाना पड़ेगा इसमें। अब देखो जब तुमको दिख रहा है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है तो इसको आगे मैं कैसा कर रहा हूं यहां के लिए, ठीक है ना, लेट अल्फा बी पॉजिटिव एंड लेट अल्फा बी नेगेटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो 2 इंटू पॉजिटिव नंबर इज माइनस बी बाय ए, करेक्ट, तो ए इंटू पॉजिटिव नंबर इज माइनस बी, बेटा अगर ए पॉजिटिव है तो फिर बी को नेगेटिव होना पड़ेगा और अगर ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, देखो सम पॉजिटिव नंबर इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो इन दोनों बी या ए में से कोई ना कोई एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, वो माइनस और ऊपर वाला माइनस कटेगा तभी अपना आंसर पॉजिटिव बचेगा, तो यहां से मुझे ये समझ में आया है ए एंड बी विल हैव अपोजिट साइंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, अब अगर मान लो अल्फा का नेगेटिव होता तो 2 इंटू अल्फा का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दो प्लीज प्लीज ध्यान दो, 2 इंटू अल्फा मतलब नेगेटिव इज माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस माइनस करके पॉजिटिव इज बी अपॉन ए, मतलब यहां से क्या हो रहा है बी अपॉन ए पॉजिटिव है, मतलब बी भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव या बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो ए एंड बी will have same sign, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए जो दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो अल्फा स्क्वायर क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू सी अपॉन ए, पॉजिटिव अगर है तो ए और सी की पक्का से सेम साइन देनी चाहिए, ए एंड सी विल हैव सेम साइन, ठीक है एक साइन हो जाओगा इस। अब देखो ओए मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता है वेरी फ्रैंकली, ठीक है ना, अब देखो क्या दिया गया है, ऊपर है ना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही कर पड़ रहा हूँ, अब देखो सॉरी मेरा ये बोलना है मुझे अभी तक के पास ये पक्का समझा है ए और सी की साइन सेम रहेगी,
बाद में मुझे ये समझाए, ए और बी की सेम भी हो सकती है और अपोजिट अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो मेरा थॉट जो मैंने लाया है उससे ऑप्शंस चेक करें, मुझे कोई आईडिया नहीं है। सी एंड ए विल हैव अपोजिट साइन, नहीं भाई, ए और सी तो पक्का से सेम साइन वाला ही रहने वाला है, तो मेरा ये ए ऑप्शन तो पक्का से डिस्कार्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बी एंड सी हैव अपोजिट साइन, नहीं, देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी का लिखा है और ए और सी का, बी और सी का हम लोग पक्का कुछ बोल पा रहे हैं क्या? नहीं, तो वो भी कैंसिल। सी एंड ए हैव सेम साइन, सर सी एंड ए, सी एंड ए हैव सेम साइन, हाँ सर, तो ये पक्का चीज थी, तो आंसर सी हो गया मेरा बी के लिए। डी भी देख लेते हैं, बी जो ऑप्शन के लिए सेम आ गया है वो सी एंड ए कैन हैव सेम साइन, कुछ होना चाहिए होगा, उधर चेक कर दो, वो ऑप्शन के लिए सेम रिपीट हो गया है, ठीक है ना। अब देखो एक से देखते हैं, सुनो मैं तुमको पहले क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को समझने की इच्छा है, ये क्वेश्चन पूछने जाने बहुत कम है, पर तुम आप समझा दो ये क्वेश्चन कब फायदा देते हैं। तुम में से कोई बच्चा गलती से जेई सोच रहा है प्रिपेयर करने का, ठीक है, तुम लोग एलन हो गया, आईकैड हो गया, और भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता है, इनकी एग्जाम दे दो, एक एंट्रेंस एग्जाम, वो एंट्रेंस एग्जाम में तुम लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। If I am not wrong, अभी इन लोगों की दो साल की फीस अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख वगैरह चल रही है, If I am not wrong, एक साल की फीस 1.5 लाख पकड़ लेते हैं, इन लोगों का मिनिमम स्कॉलरशिप 10% के आसपास आता है। और वो लोग पोर्शन जो पूछते हैं, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, तुम्हारा CBSE वालों का बहुत अलग पोर्शन है, ICSE वालों का बहुत हायर पोर्शन है, IB तो छोड़ो, वो लोगों के ICSE से भी थोड़े हायर क्वेश्चन आ जाते हैं, कि ऐसा नहीं ICSE वाला पेपर देखने आ रही है तो 9-10 में आए भट 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 टिक किया आंसर हो गया, नहीं, बोलते हो 9-10 का पोर्शन उसमें रहता ICSE का जो वैसे तुमको आता नहीं है, बहुत भारी उसका फिजिक्स तो और ज़्यादा, केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं सकते तुम लोग वैसा, ठीक है। मैथ्स जो चीज़ तुम समझ सकते हो वो इसलिए समझ लो, गलती है तुम लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर लिए ऐसे वाले एग्जाम में उनके, और तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिल गई 10% के भी, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 डायरेक्ट 15,000 रुपये तुम्हारे जो ट्यूशन की यहाँ मैथ्स की ट्यूशन की फीस है उससे 1,000 कम तुम्हारे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड ऑलवेज अ गुड फील है, ठीक है। एक बार सुनो, मैं एक बार क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर इक्वल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज अगर इक्वल है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो चुका है मेरा, द अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा -b/2α -b/2। अब अल्फा खुद के बारे में कुछ दिया नहीं गया था, अल्फा खुद अगर पॉजिटिव होता था तो पॉजिटिव इज -b/a, तो बी और ए की साइन को अपोजिट होना पड़ता तभी पॉजिटिव कर पाता। अगर अल्फा खुद नेगेटिव होता तो नेगेटिव इज -b/a, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव इज b/a, तो मतलब बी और ए की साइन को सेम होना पड़ता, तो दोनों हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। ए और बी की साइन सेम भी हो सकती है, ए और बी की साइन अपोजिट भी हो सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा इंटू अल्फा सी बाय ए, मतलब अल्फा स्क्वायर सी बाय ए, मतलब अल्फा पॉजिटिव हो या नेगेटिव होता स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव अगर सी बाय ए हो रहा है और ए की साइन को पक्का से सेम होना पड़ेगा। तो यहां तक मुझे सिर्फ इतना समझा, ए और सी की साइन पक्का 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 सेम रहेगी, जबकि ए और बी की साइन अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। उसके हिसाब से ऑप्शन देखूंगा तो आंसर सी, डी तो गलती है, मैंने ऑप्शन ही सेम बना दिया है, इसके लिए आंसर डी भी, पर आंसर सी ही कर लेंगे। हाँ बोलो भाई, अब अगर तू वो देखना चाहता है बेटा, देखो ए और सी का रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, ए और बी का दिया, तो सी और बी का रिलेशन तू वही बोल रहा है मेरे को, नहीं हाँ हो भी सकता है, बट अगर ऑप्शन रहेगा ए एंड सी कैन साइन कैन बी डिफरेंट, तो पक्का गलत हो जाएगा, हो ही सकती ना, समझाई चीजें क्या हुई है। जिनको ये क्वेश्चन समझा है अमेजिंग, तुम्हारे स्कूल के तुम्हारे बोर्ड के पेपर पूछने के कोई चांसेस नहीं रहते इसके, वो आरडी शर्मा में है आई सपोज, ठीक है, वो उसका आंसर मैंने डाल दिया है, बच्चा इसका स्ट्रेस बहुत मत उठाइए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 1 पॉलीनोमियल की बुक की, जो वैसे ओरल है बट प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान देना। अब देखो तुम लोगों को याद है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी अपनी, कुछ समझ x²-7x+10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक काम करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से x²-7x+10 के मैं रूट्स बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x-2 into x-5
तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 या फिर 5। अब देखो, अरे यार इंटरनेट बंद है। तुम लोग अगर डेस्मोस करके एक होता है, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तुम इसका ग्राफ देखोगे ना, कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है। ये दो बार एक्स एक्सिस को कट करने वाला है, जहां जहां पे कट करेगा वो उसके जीरो हो जाएंगे। तो कुछ समझा नहीं। तो देखो, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला हो गया, मेरा एक ग्राफ बना हुआ था, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये है मान लो -1, ये है 3, ये है मान लो 8 और ये है 2। मुझे पहले बताओ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है? तीन बार। वो चौथा जो 2 दिया उसने सिर्फ मस्ती में दिया है, तो इसे कितने जीरोस हो गए? तीन जीरोस है। कौन से रहेंगे? -1, 3 और 8। समझा ये चीज पक्का? मैं अगर पूछूं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ओवर हियर, तो -1 × 3 × 8 -24। सर ये क्यों दिया है? अपनी अपनी मस्ती की, सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के दिया। पक्का से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, -48 भी ऑप्शन रहेगा, और कई बच्चे करते रहते हैं। ये नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो बच्चे 4 लिख के आ रहे हैं, 4 जगह नंबर दिया गया ना इसके लिए, तो ऐसा मत करना। अब दूसरा सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखोगे ना बेटा, वो या तो ऐसा ऊपर में खुलता रहेगा मुंह, या नीचे में खुलता रहेगा मुंह। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, या तो कुछ ऐसा दिखेगा या तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोगों को। ये शेप को बोला जाता है पैराबोला। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पैराबोला। सर अब हमें कैसे पता रहेगा मुंह ऊपर खुलेगा कि मुंह नीचे खुलेगा? तो अब सुनो, नहीं बहुत फर्क पड़ता है बेटा। तुम्हारा जो पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x² + 7x + 10 and -3x² + 7x + 10 मान लो, इसमें मुंह ऊपर खुलेगा, इसमें मुंह नीचे खुलेगा। कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अगर ए जो है वो पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा, ए जो है वो नेगेटिव है तो मुंह नीचे खुलेगा। यहाँ तक के सब बढ़िया है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो ax² + bx + c जो होता है ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसका पैराबोला, इसका ग्राफ किस शेप का आता है? तो वो आता है पैराबोला शेप का। पैराबोला मतलब ये या ये। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर खुलेगा, a लेस देन 0 है तो मुंह नीचे खुलेगा। a 0 के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा? गलत। करेक्ट, मैक्सिमम 2 बार इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 से ज्यादा तो कभी नहीं कर सकता। हो सकता है एक भी बार ना करे। मतलब क्या? कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ हो मेरा, एक भी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे हम लोग, ठीक है? या फिर मान लो कुछ ग्राफ ऐसा है, एक भी जीरो नहीं है, ये 0 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। हो सकता है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल गया हो, तो एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, मतलब एक ही जीरो है उसका। वो भले ही रिपीटिंग रहता है, अपन देखेंगे सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। उसका नाम होता है नेचर ऑफ रूट, ठीक है? या फिर ये ऐसा हो सकता है जो तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो, 2 बार वाला। मुंह ऊपर अगर खुल रहा है तो ए कैसा है, मुंह नीचे खुल रहा है तो ए नेगेटिव। मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को ये वाला? 2 बार। एक बार भी हो सकता है, एक भी बार नहीं भी हो सकता है, पर उसके बाद में ज्यादा मैच्योरिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगी। अब भी क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई एमसीक्यू में पूछ सकता है वैसा कुछ भी क्वेश्चन, अभी के नहीं। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद में बहुत इजी हो जाता है बोल के। अब तू कुछ पूछ रहा है बेटा? हाँ आरजा, सॉरी यस। वाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई एक्सिस बताता है अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या है। तो अभी उसके ऊपर मत पड़ रही है, रुक जाओ। अरे क्लास खत्म नहीं है, बहुत टाइम है अभी भी। गाइस सुनो, ओए, योर पैराबोलास कैन नॉट बी दिस वे और दिस वे। सर वाई दिस विल नॉट बी अ फंक्शन, सर मतलब 11th स्टैंडर्ड फंक्शन चैप्टर, बहुत सिंपल सा है। नहीं पॉसिबल ही नहीं है तेरे को वो एक्स को इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अगर हो तो ठीक है, बट तेरे को वो है ही नहीं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स के टर्म्स में है, ठीक है ना? वेट, और किसी ने हाथ उठाया था यहाँ पे? एक सेकंड में वो, हाँ हो गया। हाँ बेटा, वैसे पैराबोला ही रहेगा, ये भी
दीज आर पैराबोला, पैराबोला नाम का चैप्टर ही अपने को 11th स्टैंडर्ड में, कोर लो या अप्लाइड लो, बट अभी अपने को उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना? और जब नहीं, ओए 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 ओए, अगर तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक सर्किस को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या रहेगी डिग्री? 3, गलत, 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो तुम्हारा सिर्फ एक ही बार टच कर रहा था, तो क्या आंसर 1 आया क्या इसका? नहीं, डिग्री अभी भी 2 ही थी इसकी। तो सुनो, वैसे इतने हायर लेवल क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट स्टिल अगर तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके 3 जीरोज है, डिग्री पक्का नहीं है, 3 हो, 3 या 3 से ज्यादा होगी, उससे कम पक्का नहीं हो, ठीक है ना? 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10 सब हो सकते हैं तुम्हारी डिग्री, उसके 3 ही रियल रूट्स है या फिर 3 ही डिस्टिंक्ट रूट्स है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर विथ यू राइट नाउ, इसलिए बहुत स्ट्रेस मत लो। जब तुम लोग 11, 12 में आओगे ना, तब तुम लोगों को कर्व के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें समझेगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ, टेंजेंट वगैरह, तब आप लोगों को शायद से समझे। मैंने ना एक आज तक एक ही बच्चा है आईबी बोर्ड का, यानी आईबी ने वो लंदन वाले बोर्ड का था, वो उनका कुछ अलग ही चलता है, उसको मैंने 9th से लेकर 12th तक के पढ़ाया था, पर्सनल क्लासेस चलते थे मेरे उसके, उसके इसमें इतना बढ़िया धीरे 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 करके बढ़ाया गया है, उनका कंटेंट अपने से बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं ग्राफ का इतना बढ़िया कराया गया, उसके इसमें ऐसा सिखाया गया कि देख के पता चलता है ग्राफ कैसे बनाना है, आप लोगों को वैल्यूज डाल डाल के करना पड़ता है, वैसा नहीं, उसको पता है कब कहाँ से पलटेगा, कितना पलटेगा, डिग्रीज पे कितना पलटेगा, वैसा नहीं, फिर वापस उठेगा करेगा, तुमको इतना है नहीं 11, 12th में भी, आई डोंट नो उसके आगे का मैथमेटिक्स में है या नहीं है, इंजीनियरिंग वाले मैथमेटिक्स में हमको तो नहीं था, तो इसलिए अपन उसमें बहुत ज़्यादा भी जाएगा नहीं। एक सेकंड अली, ग्राफ को नहीं, तुम लोगों को प्लॉटिंग नहीं है बच्चा, यस तो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया इक्वेशन, बस खत्म बेटा। जब नेक्स्ट टाइम इंटरनेट जब रहेगा ना, तुम लोगों को ग्राफ में दिखाऊंगा, ठीक है? एक सेकंड समझो, एक मिनट रुक जाओ गाइस, ओए प्लीज एक मिनट शांति रखो गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट दो बस मुझे, एक सेकंड हो गया। गाइस प्लीज शांत, ओए ये देखो अभी मैं तुम लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक बार देखो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, उसके दो रूट्स रहते हैं, उसका ग्राफ देखो एक बार प्लीज, पर चलो प्लीज बातें नहीं करेंगे, प्लीज क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये देखो वो दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है 2 और 5 पे। अब तुम लोगों को एक दिखाता हूँ जहाँ पे एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये देखो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसका एक भी रूट नहीं है। सर देखो अभी तक के मैंने एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया था, चलो एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 14, मेरे को नहीं पता कितने रूट्स है, एक भी रूट नहीं है, बट देखो कर्व नीचे खुल रहा है, ये अगर मान लो एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता, फट से कर्व ऊपर खुलना शुरू हो गया है, ये भरोसा आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, एक ही बार टच करके निकल रहा है, वो दिखा दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये देखो ये टच करके निकल गया है, दिख रहा है ये चीज़ें तुम लोगों को, और जो तू पूछा जीरो पे ही आ रहा है, उसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर सिर्फ, बस खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो मेरे को जो ग्राफ एक बार दिखाया था वो समझ में आ गया तेरे को? हाँ बोल रहा, बोल जाओ। क्यूबिक टर्म नहीं है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहेगा, एक सोल्यूशन तो रहेगा ही उसका, वैसा है। अब देखो ओए, मैं तुम्हारे को क्यूबिक एक बना के दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर एक ही सोल्यूशन आए, तो वैसे एक्स क्यूब इन इटसेल्फ हो जाता है प्लस 8, ये देखो ये एक्स क्यूब प्लस 8 एक ही बार टच किया है उसने, ठीक है? अब तुम्हारे को दो बार टच करे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, अब डायरेक्ट 3 बार टच करेगा वो, ये एक ही बार कर रहा है, नहीं बेटा दो बार वाला पॉसिबल ही नहीं होता है, एक से क्या 3 बार वाला ही रहता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यार रहते तो है, मेरे को बनाने नहीं आ रहे वो, मेरे वाले एक ही एक क्यों कर रहे पता नहीं है, करते हो गए छोड़ो जान दो। हाँ नहीं,
छोड़ो देख लेंगे, कर लेना तुम लोग घर पे अपने अपने। हाँ ये समझाए, अब एक सेकंड रुक जाओ, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, इट द नंबर ऑफ जीरो द पॉलिनोमियल इज नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे से क्या गलत हो गई, इंटरसेक्ट और होना चाहिए, ऑफ नहीं, तुमसे क्या गलती हो गई, तुमने सी बोल दिया आंसर, तो वो नहीं बेटा, इंटरसेक्ट और, ये और वर्ड था, टचेस एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा वाला है कि भाई ये भी चल जाएगा। समझा तुम लोगों क्या हुआ ये बात, पक्का? हाँ, क्यूबिक में दो जीरोज भी हो सकते हैं, मैंने बोला था नहीं हो सकते दो जीरोज ना, दो जीरोज भी हो सकते, तीन भी हो सकते, सॉरी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ये पहले तो ऑफ की जगह पे और करो दोनों जगह पे, उसका आंसर डी हो जाएगा, और ये आई थिंक सो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, फाइन। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस थ्री पॉइंट्स एंड एट टू एंड टचेस एट अदर टू पॉइंट्स, तो कितने जीरोज हो गए। देखो इंटरसेक्ट का मतलब एक काटना होता है, एक दो तीन जगह काटा उसने, फिर इसको ऐसा टच करके निकला मे बी, और फिर से ऐसा टच करके निकला, तो दो बार टच तीन बार इंटरसेक्ट, टोटल मिला के पाँच जीरोज हो रहे हैं। समझा ये चीज़ें क्या हुई है। हाँ, y एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है आपको इसके अंदर, उसको टच कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे करेगा ही हमेशा, यानी इंटरसेक्ट करेगा ही, पर तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, याद रखे ठीक है सबका। अब सुनो प्लीज, यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से होता है ख़त्म, हम लोग कल नंबर सिस्टम या रियल नंबर वाले चैप्टर माँ फुद्दू है वो शुरू करेंगे। प्लीज़ कल भी डेढ़ घंटे की क्लास है, होश में बैठना, कल कई चीज़ें सॉल्व करने का अल्ट्रा चीज़ें होमवर्क भी मिलने वाली है, ठीक है, चलिए स्टार्ट लीव है।